अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आईटी विद सोनिया राजपूत। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप डीवीडी रोम की इस फेस प्लेट को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं बगैर इसके किसी भी लॉक को ब्रेक किए हुए। बहुत ही ईजी है। पहले मैं आपको बताऊँगी कि आपको इस फेस प्लेट को रिमूव करने की ज़रूरत क्यों महसूस होगी। वो इसलिए महसूस होगी कि हो सकता है कि आपका डीवीडी रोम ख़राब हो गया हो। जब आप न्यू डीवीडी रोम बाय करके लाएंगे तो उसके साथ ये प्लेट नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्लेट को हम रिमूव करके उस न्यू वाले डीवीडी रोम पे अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ या अगर आप डीवीडी रोम को रिमूव करने के बाद एक कैडी इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप में, तो इस कैडी के भी आपको साइड पे कोई फेस प्लेट शो नहीं होती है। तो अगर हम इस फेस प्लेट को रिमूव कर लेते हैं तो हम अपनी कैडी के ऊपर इसको लगा सकेंगे। इस कैडी को एक्चुअली मैं अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने वाली हूँ एक अदद SSD ड्राइव के साथ, जिसकी वीडियो जल्दी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यानी मैं अपने लैपटॉप में चाहती हूँ कि दो हार्ड ड्राइव हों, एक SSD हो जिसमें विंडोज इंस्टॉल हो और दूसरी स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव हो। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी जल्दी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इस फेस प्लेट को डीवीडी रोम से किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं बगैर इसके किसी भी लॉक को ब्रेक किए। तो सबसे पहले फेस प्लेट को रिमूव करने के लिए आपको एक अदद नीडल, पिन या एक थोड़ी सी थिक वायर की ज़रूरत है। ये देखिएगा, मैं इस पिन को यूज़ कर रही हूँ। तो इस फेस प्लेट को रिमूव करने के लिए हम इसको सीधा खड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपको एक होल नज़र आ रहा है। इस होल में हमने इस पिन को इंसर्ट करना है। ये पॉइंटेड साइड नहीं करना, थोड़ा सा वाइड है जिधर से इसका एज उधर से एंटर करना है। तो मैं इसको ठीक से होल्ड कर लेती हूँ ताकि इसमें मैं ठीक से पिन को इंसर्ट कर पाऊँ। ये देखिएगा, थोड़ा सा जो थिक एज है वो वाला एज मैं इसमें इंसर्ट करूँगी। और ये आप देख सकते हैं होल, थोड़ा सा राइट लेफ्ट अप डाउन किसी भी साइड पे आप इसको नीडल डालने के बाद पुश कीजिए हल्का सा। ये देखिए, एक्चुअली पिन क्या करती है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक लीवर है, उसको ये साइड पे कर देती है जिससे ये ओपन होकर बाहर आ जाता है। अब यहाँ से मैं CD को रिमूव करती हूँ और अब इस प्लेट को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। प्लेट को रिमूव करने के लिए एक छोटा सा मैं स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रही हूँ जिसकी ये वाली साइड फ्लैट है। उसका पर्पज़ ये है कि इसके लॉक्स को मैं ये प्रेस करेगा एंड पुश करेगा। ये देखिएगा, प्रेस एंड पुश, ठीक है। ये देख सकते हैं कि ये लॉक इस साइड से रिमूव हो गया है और एक लॉक है इधर अदर साइड पे। यहाँ पे भी इस लॉक को हम प्रेस एंड पुश करेंगे, ये लॉक भी रिमूव हो गया। अब सेंटर में एक लॉक है और उस लॉक को रिमूव करने के लिए बस थोड़ा सा हमने प्रेशर लगाना है। ये देखिए, ऑल लॉक्स बिल्कुल ठीक हैं, कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है। और अब हम इस फेस प्लेट को अपने न्यू डीवीडी रोम के ऊपर या कैडी के ऊपर इजीली फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास कैडी है और इस प्लेट को अब मैं इजीली यहाँ पे फिक्स कर सकती हूँ। और अब जब ये कैडी लैपटॉप में जाएगी तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि लैपटॉप में कोई डीवीडी रोम है या कैडी है। ये देखिए, कैडी लैपटॉप में जा चुकी है और बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि अंदर डीवीडी रोम है या कैडी है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।